अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को 29 साल बाद जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि होलोंगी में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए आधारशिला दिसंबर में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विकास पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे पर प्रस्तावित 2200 मीटर का एक बड़ा रनवे होगा जो जेट विमान को संभाल सकता है। इससे मेट्रो शहरों के लिए सीधी उड़ानों की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के लिए उड़ान की सुविधा भी मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही तेजू और पासीघाट में एयरपोर्ट हैं। सिन्हा ने कहा कि पूरे राज्य को अगले 10 सालों में विमानन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। हेलीकॉप्टर, समुद्री जहाज और यात्री ड्रोन सेवाओं से छोटे और बड़े शहर जुड़ जाएंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय होलोंगी एयरपोर्ट के प्रारंभिक चरण के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ईटानगर के लिए एयरपोर्ट का निर्माण करने की योजना 2007 की शुरुआत में हुई थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच मतभेदों के कारण परियोजना में देरी हुई। पीएमओ की दखल के बाद जुलाई 2012 में होलोंगी साइट को अंतिम रूप दिया गया। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज।